हेलो दोस्तों, स्टार भी एग्जाम टेक्स्ट अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। अभी कुछ बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों ग्रुप डी रेलवे में। रेलवे जो RRB है वो तो हम लोगों के साथ गलत कर ही रही है, लेकिन अभी देख रहे हैं जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है उस तरह से हम लोगों की पढ़ाई में भी पैटर्न चेंज होना चाहिए और हम लोग को धैर्य रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आने वाले समय में देखते हैं कैसा क्या होता है। तो मैं इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ यह आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं बायोलॉजी से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आप लोगों को दिखाए जाएंगे इसमें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को अगर नए हैं तो पहली बार तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी को क्या कहते हैं हम? जीव विज्ञान। आइए देखते हैं यह कितने प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है जीलोजी जिसको हम प्राणी विज्ञान कहते हैं, दूसरा होता है बाटनी जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी यानी बायो लाइफ। ठीक है, बायो इज इक्वल टू लाइफ। देखिए इतना शॉर्ट में समझाया गया और इसको अध्ययन कर लेंगे तो आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप नोट्स ज़रूर बनाइए दोस्तों। देखिए लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। देखिए इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और गिवेरनियस ने 1801 में किया था। ठीक है, जीव विज्ञान एक प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु। जनक कौन है? अरस्तु कहे जाते हैं। कौन है? अरस्तु साहब हैं। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के बीच के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और SSC NTPC और ग्रुप डी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए एपिकल्चर, एपिकल्चर का मतलब हनी बी करते हैं यानी एपिस मेलफेरा कहते हैं इसमें, या मधुमक्खी का पालन करते हैं जिसको हम एपिकल्चर कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेरिकल्चर जिसमें रेशम कीट पालन करते हैं। देखिए ये काफ़ी नोट्स हैं, इसको आप बनाते रहिए और इस पर अलग अलग वीडियो बनने वाले हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आइए देखते हैं। देखिए माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब होता है कवकों का अध्ययन करना और साइकोलॉजी का मतलब होता है शैवालों का अध्ययन करना। पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन करना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। और ऑर्निथोलॉजी से हम क्या अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं जिसको हम सलीम अली को भारत में पक्षियों का जनक, सलीम अली को भारत में पक्षियों के जनक के नाम से जानते हैं। देखिए इथियोलॉजी का मतलब होता है मछलियों का अध्ययन करना। एंटोमोलॉजी का मतलब कीटों का अध्ययन करना। ओफियोलॉजी का मतलब सर्पों का अध्ययन करना। एंटोमी का मतलब जंतुओं के विभिन्न अंग के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये काफ़ी है, इसको आप नोट्स करते रहिएगा और बनाते ही रहिएगा नोट्स। देखिए साइटोलॉजी का मतलब है कोशिका और इसके अंगों की संरचना का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी पर्यावरण पादपों की जंतुओं पर अध्ययन करना, या इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिक होता है। एम्ब्रोलॉजी मतलब होता है जंतुओं के भ्रूण से संबंधित अंगों का रचना या कार्य का अध्ययन करना, भ्रूण से संबंधित से विकास से अंगों और उनकी रचना कार्य का अध्ययन करना। जेनेटिक्स क्या होता है? यह आनुवंशिकी होता है के सिद्धांतों पर पौधों एवं जंतुओं की उत्पत्ति संबंधित अध्ययन को अनुवंशिकी कहा जाता है। देखिए इतने बढ़िया बढ़िया वन लाइनर्स क्वेश्चन दिए गए हैं और यह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।
यह हमारी ही वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर आप अदर वीडियो देखते हैं तो साइंस के क्लासेस में। और जो मैं पार्ट लाने वाला हूँ, यह बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का अलग अलग मैं पार्ट और न्यूमेरिकल के साथ मैं कराने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पैलेनोटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान। इसमें पादप जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या 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 वर्गीकरण करते हैं, जैसे पौधों का वर्गीकरण कर लिए, जंतुओं की पहचान कर लिए और उसका नामकरण कर दिए, तो यही क्या होता है टैक्सोनोमो यानी टैक्सोनोमी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी का मतलब होता है औतकी। इसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं के विभिन्न प्रकार के उत्तकांग का अध्ययन यानी उत्तक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए इंडोक्रिनोलॉजी का मतलब होता है अंतःस्रावित, यह प्राणी विज्ञान की भाषा का, जिसमें हार्मोन्स यानी हार्मोन्स के श्रवण सिक्रेशन प्रकृति नेचर प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो परिस्टियोलॉजी का मतलब होता है परजीवी विज्ञान, यह प्राणी विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत परिजीवी के संरचना तथा जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी का मतलब इसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर प्राकृतिक परिस्थितियों में पौराणिक नैसर्गिक सहज व्यवहार करता है। आइए आगे देखते हैं। हेप्टेलॉजी है हर्पेटोलॉजी यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा, जिसमें रेप्टाइल्स का हम यानी सरीसृपों का या एम्फेबियन वर्ग की हम संरचना का वर्गीकरण करते हैं। लिमोनोलॉजी का मतलब होता है नदी सरोवर आदि स्थित मीठे पानी में पाए जाने वाले प्राणियों के अध्ययन को हम संबंधित सरो विज्ञान कहते हैं यानी लिमनोलॉजी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है जीवाणु विज्ञान, यह सूक्ष्म विज्ञान की शाखा, जिसमें जीवाणु की संरचना उसके प्रकार वर्गीकरण कार्यविधि तथा उनके अन्य जीव प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए वायरोलॉजी यह विषाणु विज्ञान कहलाता है यानी वायरस जिसे होता है, यह सूक्ष्म विज्ञान की शाखा, जिसके अंदर विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी का मतलब होता है सस्य विज्ञान यानी खेतों में उगाई जाने वाली फसलों की विशेष आवश्यकताएं होती है, कौन सी फसल यानी एग्रीकल्चर के हिसाब से मिट्टी पानी और तापमान कितनी आवश्यकता है, क्या पैदावार है, इसी को हम क्या कहते हैं एग्रोनॉमी कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए नेमटोलॉजी का मतलब होता है नेमटोटोड्स, कुछ गोल पतले बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल धागे जैसे कृमि का एक वर्ग सदस्य मिट्टी या पानी में परजीवी होते हैं, इसी कारण फसलों में पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं नेमेटोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है जल विज्ञान, जल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत भूमि जल के बारे में अध्ययन किया जाता है, यह फसलों के लिए उपयोगी होती है अथवा नहीं, क्योंकि कभी कभी भूमि में जल कुछ संरचनाओं रसायनों के मिले होने से वह उपयोग लायक नहीं रहता है तो और फसलों को नुकसान हो सकता है, इसी को हार्डियोलॉजी कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस शाखा के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। देखिए हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान, इसमें उद्यानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी या इडेफेलियोलॉजी का मतलब होता है मृदा विज्ञान, मिट्टी के बारे में अध्ययन इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यह फसलों के लिए आवश्यक है क्योंकि अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए सीविकल्चर का मतलब होता है वन वृक्ष विज्ञान, वनों के प्राकृतिक रूप में उगाने वाले या लगाए जाने वाले वृक्षों की जानकारी को रखना हम क्या करते हैं सीविकल्चर कहलाते हैं। देखिए फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है पुष्प विज्ञान, लार्निगोलॉजी का मतलब होता है या वोकल कॉर्ड कहते हैं स्वरज्जु के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए सेचिटरी का मतलब होता है इसके अंतर्गत मस्तिष्क से संबंधित विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है।
और टैक्सी डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है चर्म प्रसादन, प्रसादन विज्ञान। इसके अंतर्गत चर्म अनेक इनके रोग संरचना उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों, वेटनरी साइंस का मतलब होता है पशु चिकित्सा विज्ञान। अब देखिए, और इसमें यह तो पाठ समाप्त हो गया, और इतने नाम्स हैं, आप इसको याद रखिएगा, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, बायनोमियल नोमिकल्चरल यानी द्विनाम पर द्विनामकरण पद्धति। देखिए, कार्लस लिनियस ने 1753 में इसकी खोज की थी और इन्हीं को जनक मानते हैं। सन 1700 में कार्लस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसमें पहला वंश, देखिए पहला हम इसको क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे। दूसरा क्या होता है, स्पेसीज यानी जाति से मिलकर होता है। पहला वंश होता है उसका, सेकंड वाला पार्ट जो होता है उसको हम जाति के समूह में दिखाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यह SSC स्टैटिक GK में पूछे जाने वाला प्रश्न है। रेलवे बैंक PO सब जगह पूछे जाने वाला है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, कार्नोलिनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए, जनरल नाम फ्रॉग, फ्रॉग को हम इंग्लिश में राना टिग्रिना कहते हैं। और राना क्या है, ये क्या है, ये वंश का नाम है, और टिग्रिना क्या है, जाति का नाम है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, कैट, कैट का हम क्या कहते हैं, फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं। डॉग का हम क्या कहते हैं, कैनिस फैमिलियर्स कहते हैं। काऊ को हम क्या कहते हैं, बॉस इंडिकास कहते हैं। हॉनी बी यानी मधुमक्खी का क्या कहते हैं, एपिस मेलिफेरा कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और चैनल को पहली बार आए तो विजिट करते रहिए। आइए दोस्तों, हाउस फ्लाई यानी हाउस फ्लाई मधुमक्खी को हम क्या कहेंगे, ये मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है इसको। और मैंगो का क्या होता है, मैंगी फेरा इंडिका। राइस का ओरेजा सतीवा। ग्रीन का क्या होता है, ट्रीटिकम एस्टिवम। पी का क्या होता है, सेटिवम। ग्राम का क्या होता है, सीजर एरेटिनिया। हम क्या कहेंगे, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीस। ओपियम का क्या होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और इसको आप नोट्स करते रहिएगा, और कहीं भी एक प्रकार का नोट्स बना लीजिए, और ये आने वाले एग्जाम में जरूर से ज़रूर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इससे एक दो नंबर आप लोगों का फिक्स, एक तो हो गया नंबर यानी पालन से संबंधित यानी सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, इस तरह के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और एक तरह का वैज्ञानिक नेम या जेनेटिक्स नेम्स होते हैं जो उसके बारे में पूछता है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे इसी पे, क्लासिफिकेशन यानी जीवधारियों के बारे में अवधारणा किस प्रकार है। तो अगर आप वीडियो को बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए दोस्तों, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।